जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान ने एक बार फिर सेना के जवानों पर कहर बरपाया है। मंगलवार को दो जगहों पर आई बर्फीली आंधी में सेना की दो पेट्रोलिंग पार्टियां फंस गई। सेना की एवलांच रेस्क्यू टीम तुरंत एक्शन में आई और जवानों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला स्थित तंगधार इलाके में मंगलवार को हुए हिमस्खलन की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवानों को बचा लिया गया। बचाए गए सैन्य कर्मियों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उत्तरी कश्मीर में मंगलवार को 2 अलग अलग बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। एक तूफान गुरे सेक्टर में आया और दूसरा तंगधार सेक्टर में। दोनों जगहों पर सेना की पेट्रोलिंग टीम तूफान की चपेट में आ गई। हिमस्खलन में अग्रिम सैन्य चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमस्खलन थमते ही सेना की एवलांच रेस्क्यू टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। कश्मीर में हाल फिलहाल में जवानों के बर्फीले तूफान की चपेट में आने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले सियाचिन में 18 और 30 नवंबर को जवान तूफान में फंस गए थे। दोनों घटनाओं में कुल 6 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित बांदीपुरा जिले में भी हिमस्खलन की अलग अलग घटनाएं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमस्खलन 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ। रेस्क्यू टीम द्वारा कुछ जवानों का रेस्क्यू किए जाने के बाद भी सामने आ रही है। सियाचिन में सेना के जवानों की ड्यूटी सबसे मुश्किल हालातों में होती है। साल 1984 से लेकर अब तक यहां कई बार हिमस्खलन की वजह से हादसे हो चुके हैं। इन घटनाओं में 1,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। साल 2016 में एक ऐसी ही घटना में मद्रास रेजिमेंट के जवान हनुमंत थप्पा सहित 10 जवान बर्फ में दबकर शहीद हो गए थे। बर्फीली चोटियों पर सरहद की निगरानी करने वाले हमारे जवान कैसे हर पल मौत से नजरें मिलाते हैं। एक तरफ दुश्मन और दूसरी तरफ बर्फ का तूफान, दोनों हर पल हमारे जवानों की सांसें जमा देने की फिराक में होते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।